हेलो एवरीवन, मैं अंजलि आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बूंदी के लड्डू। जब भी हमारे देश में मिठाई का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले बूंदी के लड्डू को ही याद किया जाता है, और ये मोस्टली सबके फेवरेट होते हैं और ये मेरे भी फेवरेट हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी बेसन और साथ में लिया है 1 कप दूध। आप चाहें तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को हमें एक ही मात्रा में लेना है, जितना हमने दूध लिया उतना ही हमें बेसन लेना है। और मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप चीनी। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम बेसन डाल देंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा करके दूध भी डालेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि एक साथ दूध ना डालें वरना इसमें लम्प से बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और जितना चाहें उतना इस बैटर को अच्छे से फेंटें। हम बेसन को जितना फेंटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी बूंदी बनके तैयार होगी। तो देखिए, थोड़ा करके दूध डाल दें और उसको अच्छे से फेंट लें। ये देखिए, हमारी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए हम जब इसे नीचे गिराएंगे तो देखिए इसमें नीचे एक ड्रॉप से बन रहे हैं। बस यही हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस बैटर को तैयार करने की। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे घी रख दिया है गर्म होने के लिए और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। आप चाहें तो घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स बूंदी के लड्डू तो घी में ही अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने ये झबिया ली है जो सबके घरों में मिली जाती है। हम हमारी बूंदी इससे ही बनाएंगे। ये देखिए, मेरा घी गर्म हो गया है, वो हीट कर रहा है। अब हम 1 चम्मच बैटर ले लेंगे और इस झबिया के ऊपर ऐसे डालकर उसे गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बूंदी एकदम गोल गोल शेप में आ रही है और अपने आप ऊपर उठ के आ रही है। इसका मतलब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। बस इस तरह से राउंड राउंड करके हमें सारी बूंदियाँ बनानी है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि साथ में झबिया भी घुमाते रहे। अगर आप एक ही जगह रख कर करेंगे तो उसमें नीचे गुच्छे बन जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बूंदी फ्राई हो गई है। हमको इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर नमकीन बूंदी नहीं बना रहे, हम लड्डू के लिए बना रहे हैं, उसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बूंदी एकदम मार्केट के जैसे बन के तैयार हुई है, गोल गोल। अब फ्रेंड्स, दोबारा बूंदी बनाने के लिए आप झबे को साफ कर लें वरना आपकी बूंदी अच्छे से ड्रॉप के रूप में नहीं गिरेंगी। अब झबिया साफ होगी तो वो आसानी से गिर जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बूंदी अच्छे से गिर रही है ना। बस ऐसे ही करके हमको सारी बूंदी बनानी है। ये देखिए, बूंदी फ्राई हो गई है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस सेम प्रोसेस से हमें सारी बूंदी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बूंदी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट की जैसे बनके तैयार हुई है। अब हम एक पैन लेंगे, इसको गैस पे रखेंगे और फ्लेम हम हाई करेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी ली थी और साथ में 3/4 कप पानी डाल देंगे। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही पानी डाल देना है और चीनी को पानी में अच्छे से घोलना है। ये देखिए, चीनी में अच्छे से उबाल आ गया है पानी के अंदर। अब मैंने इसके अंदर 3-4 केसर के धागे डाल दिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ में मैं इसमें निचोड़ रही हूँ 1/2 नींबू। फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर करिए, ऐसा करने से जो लड्डू में चाशनी जम जाती है वो जमेगी नहीं और लड्डू एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे। हलवाई लोग भी इसी तरह से करते हैं जिससे उनके लड्डू एकदम सॉफ्ट बने रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बन गई है। ये बस हमको चीकनी ही रखनी है, हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है।
अब हम इसके अंदर बूंदी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको एक मिनट तक और पकाएंगे। जो एक्स्ट्रा जो चाशनी है ना, वो बूंदी इसको ऑब्जर्व कर ले, इसलिए हम एक मिनट तक इसको भी मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बूंदी ने अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया। हम गैस को कर देंगे बंद और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि बूंदी हमारी ठंडी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बूंदी को एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी इलायची पाउडर और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खजूर के बीज। फ्रेंड्स, बूंदी के लड्डू में खजूर के बीज डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, बट ये ऑप्शनल है। अगर आपके घर में हो तो आप डाल दें वरना स्किप कर दें। और साथ में मैं डाल रही हूँ क्रश किए हुए पिस्ता। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी बूंदी के लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स करके बस एक हाथ में एक मुट्ठी के बराबर बूंदी ले लेंगे और उसे कस के दबा के गोल गोल शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लड्डू बनके तैयार है। बस ऐसे ही हमको बाकी और लड्डू भी बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लड्डू तैयार है। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं। ये बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको पास से बताती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल मार्केट के जैसे लड्डू हैं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।